हेलो एवरीवन, इट्स मी मदीहा किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जी मैं अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों के लिए लेकर आई हूँ सुपर स्किन वाइटनिंग मास्क, जो कि आपके स्किन को 100% वाइटनिंग देगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग भी बनाएगा। तो ये है जी वो सुपर स्किन वाइटनिंग मास्क। ये देखें जी, आज तक आपने जितने भी मास्क ट्राई किए होंगे बट वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये आपको इंस्टेंट वाइटनिंग एंड ग्लोइंग देगा। तो चलिए जी पहले देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इस मास्क को रेडी करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका जो तरीका है थोड़ा डिफरेंट है इसे अप्लाई करने का। तो जो इसका डिफरेंट है तरीका है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले देख लेते हैं कि हम लोग इसे बनाएंगे कैसे। मार्क्स की तरफ जाने से पहले अभी से वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल का ऑल पे लास्ट भी हिट कर दें, क्योंकि मैं आपकी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ और आप मेरी होम रेमेडीज को और मेरी ब्यूटी टिप्स को फॉलो करके ब्यूटीफुल से मोर ब्यूटीफुल हो जाएं। तो फ्रेंड्स, इस सुपर वाइटनिंग फेस मास्क को रेडी करने के लिए जो मैं यहाँ पर फर्स्ट चीज़ यूज़ करने लगी हूँ वो है जी फेयर एंड लवली का एक पाउच। 10 रुपीज़ वाला मैं यहाँ पर एक फेयर एंड लवली का पाउच यूज़ करूँगी। अगर आपके पास है जी डिब्बी वाली फेयर एंड लवली तो आप उसका जो है हाफ टेबल स्पून डालेंगे इस रेमेडी को रेडी करने के लिए। तो जिस तरह से मैंने इस पाउच को ओपन करके सिर्फ की हेल्प से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। सेकेंडली जो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ वो है जो टर्मेरिक। यहाँ पर जो है वाइट टर्मेरिक यूज़ करनी है, जो घर में आप लोग खानों में डालती हैं वो टर्मेरिक आपने यूज़ नहीं करनी। 1 पिंच हमने जिसमें जो टर्मेरिक ऐड कर दी है, 1 चुटकी हल्दी, और थर्ड पर मैं यहाँ पर यूज़ करने लगी हूँ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के जी मैं इसमें जो है कोकोनट ऑयल का ऐड करूँगी। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी स्किन पर ऐसा मैजिकल वर्क करेंगी कि आप खुद शॉक्ड हो जाएंगी। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, हमारी स्किन की डीप क्लीनिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। और जो होती है टर्मेरिक, टर्मेरिक हमारी स्किन को एक कुदरती निखार फ्राहम करती है। इतनी ज़बरदस्त ग्लो चमक हमारे फेस पर लेकर आती है। और जो फेयर एंड लवली है वो हमारी स्किन को इंस्टेंट वाइटनिंग प्रोवाइड करेगी। तो ब्यूटीफुल गर्ल्स, इन तीनों चीज़ों को हम लोग इतना अच्छे से मिक्स करेंगे कि ऑयल और टर्मेरिक और फेयर एंड लवली तीनों की तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि इसे आपने अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपने देख लिया कि किस मास्क को हम लोगों ने रेडी कैसे करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे अप्लाई कैसे करना है। सुना से जी हम लोग लेंगे एक ब्रश और ब्रश की हेल्प से जो है हम इस मास्क को अच्छे से अपने पूरे फेस पे कर लेंगे अप्लाई। ये देखें जी, तो फ्रेंड्स मैंने इस मास्क को अच्छे से अपने स्किन पे अप्लाई कर लिया है। अब जब हमने इसे 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से अपने फेस पे स्टे देंगे। 10 मिनट्स के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। हमने इसे 10 मिनट्स के बाद अभी वॉश नहीं करना। तो चलिए 10 मिनट्स के बाद मैं वापस आती हूँ। मुझे इसे अप्लाई किए हुए 10 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब जी आपने जो है 2 से 3 मिनट इसका हल्के हाथों के साथ इस तरह से करना है मसाज। तो जिसमें हमने कोकोनट ऑयल डाला था उसकी वजह से ये ड्राई तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 10 मिनट्स का जी हम लोग इसे स्टे देंगे। स्टे देने के बाद 10 मिनट्स के बाद जी हम हल्के हाथों से सो तरीके से हम अपने स्किन का जो है मसाज करेंगे 2 से 3 मिनट, और फिर जो है हम अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अभी मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट भी चेक कराऊंगी कि कितना ज़बरदस्त तरीके से आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगा और स्किन को वाइटनिंग भी देगा। इस तरह से जी हम लोग अपने पूरे फेस का कर लेंगे मसाज। मुझे 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसका मसाज करते हुए। अब मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ और आपको इसका रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने फेस को अच्छे से जो है वॉश करके आ गई हूँ और आप जो है इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मेरे स्किन पे इसका रिजल्ट आया है। ये देखिए जी, ग्लो चेक करें आप। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ऑसम रिजल्ट है जी इस सुपर स्किन वाइटनिंग मास्क के। आपने खुद लाइव चेक किया कितनी ज़बरदस्त ग्लो आ गई है मेरी स्किन पर इसको यूज़ करने के बाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलूंगी मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपने गाँव में याद रखिएगा।